भैया जी, इस वीडियो में जाना ये कि अफीम कैसे बनता है और इसकी खेती कैसे की जाती है। और शायद आपको यह जानकर चौंकना नहीं चाहिए कि जो आप रोजाना मिठाई और खाने में यह खसखस या पोस्तादाना का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वह अफीम का बीज होता है। दोस्तों, अफीम की खेती में मोटी कमाई होती है, इसलिए ज़्यादातर किसान अफीम की खेती करना चाहते हैं। लेकिन अफीम की खेती करने के लिए किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो अफीम की खेती करने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना होता है और इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज को पूरा करना होता है। अफीम की खेती बिना लाइसेंस के करना इल्लीगल है और इसके लिए जेल भी हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि इसकी खेती खास तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अफीम से जुड़ी सारी जानकारी एकदम सटीक मिलेगी, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अफीम का पौधा कैसा दिखता है। अफीम का पौधा तैयार हो जाने के बाद लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है और इस पौधे में सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं और यह फूल झड़ने के बाद अफीम का फल यानी डोडा तैयार हो जाता है, जो दिखने में कुछ ऐसा होता है। अफीम की खेती ठंड के मौसम में की जाती है। इसकी बुआई के लिए अक्टूबर से नवंबर का महीना सूटेबल होता है। बीज बोने से पहले खेत को अच्छी तरीके से जुताई करके तैयार कर लेना होता है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई की जाती है। जुताई के बाद खेत में पानी डालकर मिट्टी को नम होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर अलग अलग मशीन से खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर दी जाती है, ताकि खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाए और फिर आखिर में इसकी क्यारियाँ बना दी जाती है। अफीम जैसे क्रॉप्स की खेती करना मिट्टी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि यह बहुत सारा पोषक तत्व मिट्टी से खींच लेता है। इसलिए खेत में बुआई से पहले बहुत सारा उर्वरक जैसे गोबर और वर्मी कंपोस्ट को खेत में डालने की ज़रूरत पड़ती है और यह सारी खेती नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की देखरेख में की जाती है। इसलिए जिस किसान को जितनी ज़मीन पर खेती करने के लिए परमिशन दी जाती है, उसे उतनी ज़मीन पर ही खेती करना होता है। आपको बताते चलें कि अफीम के लिए बीज भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही मुहैया कराती है। इनके इंस्टीट्यूट अफीम पर रिसर्च करते हैं। यहाँ से अफीम की नई नई प्रजातियाँ विकसित की जाती है। अफीम के बीज को खेत में अच्छे से बोना होता है। बीज बोने के बाद इसमें रेगुलर सिंचाई की जरूरत होती है। कुछ दिनों के देखभाल के बाद अफीम के नन्हे नन्हे पौधे निकल आते हैं। तीसरे महीने के पश्चात फसल में फूल आने लगते हैं और धीरे धीरे फूल झड़ भी जाते हैं। 15 से 20 दिनों में पौधे में डोडे आना शुरू हो जाते हैं। यही डोडा अफीम का फल होता है और इसी डोडे से अब अफीम को तैयार किया जाएगा। और इस डोडे से अफीम निकालने का एक खास तरीका होता है और इसमें इस खास प्रकार के हैंडमेड ब्लेड की मदद ली जाती है। खेत में बहुत सारे डोडे होते हैं, लेकिन इनमें से जो फल मैच्योर हो चुके होते हैं, केवल उसी पर इस ब्लेड से चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के बाद फल के अंदर से गहरे लाल रंग का लिक्विड निकलता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। डोडे में चीरा दोपहर के समय लगाया जाता है और उसे अगले दिन ऐसे कलेक्ट कर लिया जाता है। अगले दिन यह सूखकर गाढ़ा हो चुका होता है, जिसको इकट्ठा करने के लिए इस खास प्रकार के टूल को इस्तेमाल में लाया जाता है। एक फल में से 3 से 4 बार लेटेक्स निकलता है। यह किसान एक एक करके सभी फलों में से लेटेक्स को इकट्ठा करते रहते हैं और यह जो लेटेक्स इकट्ठा हो रहा है, यही अफीम है। केवल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट किसानों से अफीम की खरीदारी करती है। किसानों को अफीम का बीज 150 से 200 रुपये प्रति किलो तक मिल जाता है। खेत में प्रति हेक्टेयर 7 से 8 किलो बीज की ज़रूरत होती है और 1 हेक्टेयर से करीब 50 से 60 किलो तक अफीम की पैदावार हो जाती है, जो कि सरकार 1800 से 2000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदारी करती है। वहीं ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत लाखों में है। इतना सब कुछ जानने के बाद शायद आपके दिमाग में यह सवाल जरूर घूम रहा होगा कि आखिर भारत सरकार अफीम की खेती करवाती क्यों है, जबकि यह एक नशीला पदार्थ है। तो भैया, आपको बताते चलें कि भारत में जो अफीम उगाई जाती है, वह दवाई बनाने के काम में लाई जाती है, क्योंकि अफीम में 12% मॉर्फिन मौजूद होता है। मॉर्फिन का इस्तेमाल दर्द की दवा बनाने में लिया जाता है और ब्लैक मार्केट में जो अफीम की खरीदारी की जाती है, उससे हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थ को बनाया जाता है, जो कि गैर कानूनी है। तो भाई, आज के लिए मेरे पास इतनी ही जानकारी थी। बहुत दिनों से मैंने अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाला था, पर आगे से कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर चैनल पर वीडियो डाल पाऊँ। इतने दिनों बाद वीडियो डाली है तो ऑब्वियसली व्यूज़ तो कम आएंगे ही। खैर, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और तुम्हारे सामने दो वीडियो दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, इसको क्लिक करके देख लेना। बाय।